को यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नोटिस भेजा है। कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में फिर सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव के बीच यूपी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ा है और 2 मई को काउंटिंग के लिए तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले पंचायत चुनाव रोकने के लिए भी मांग की गई थी राज्य सरकार से, निर्वाचन आयोग से, और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी मामला गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला आया है जहां ये पूछा गया है कि ये मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से याचिका में कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगाई जाए। अब देखिए, हम आपको यूपी का कोरोना ग्राफ दिखाते हैं, फिर चलते हैं अपने संवाददाता के पास। 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में करीब 2500 केस थे और मौत केवल 9 थी, 1 अप्रैल को, यानी आज से 1 महीना पहले। लेकिन फिर ये ग्राफ कैसे तेजी से भागा है। 5 दिन बाद केस करीब 4000 हो गए, मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया। फिर 5 दिन बाद 10 अप्रैल को क्या हुआ, केस एकदम से यहां करीब 3 गुना हो गए, 3 गुने से ज्यादा, 12,748 केस और मौत का आंकड़ा बढ़कर हो गया 46। 15 अप्रैल को यह केस लगभग डबल के आसपास, 22,000 से ज्यादा केस, 104 मौत हो गई यूपी में। 20 अप्रैल को 30,000 केस आए उत्तर प्रदेश में, 162 मौत का आंकड़ा वहां पर पहुंच गया। 25 अप्रैल को ये केस और बढ़कर 35,000 पहुंच जाते हैं, 35,311 मौत का आंकड़ा 206 के पास पहुंच जाता है। और जो लेटेस्ट डेटा है उत्तर प्रदेश का 29 अप्रैल का, वो 35,104 का है, लेकिन मौत का आंकड़ा करीब 300 को छूता हुआ। मैं मनीष के पास जाऊंगा, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। मनीष, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज नहीं, जब से घोषणा हुई तब से लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। अब काउंटिंग पर रोकने की बात, काउंटिंग रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, और उत्तर प्रदेश में खबरें ये भी हैं कि गांवों में भी अब कोरोना का असर दिखने लग गया है, क्या जानकारी है? देखिए गौरव, पहली बात यह है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं इन पंचायत चुनावों में। जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे उनकी बड़ी संख्या है जो इसके चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य कर्मचारी परिषद ने ये ऐलान किया है कि अब उन्हें बागडोर खुद संभालनी पड़ेगी, अगर मतगणना पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग रोक नहीं लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कल हियरिंग होगी, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो क्या फैसला देता है कल पता चलेगा। लेकिन लगातार इसकी वजह से गाँव देहात में कोरोना संक्रमण का मकड़जाल तेजी से बढ़ा है। हालांकि गाँव तक टेस्टिंग नहीं पहुँच पा रही है, न तो RT-PCR न एंटीजन, और कुछ गाँव के लोग भी जांच कराने की इच्छुक दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर वहां पर गहराई से देखा जाए तो लगातार बीमारी के मामले लगातार बढ़े हैं वहां पर, कोविड संक्रमण नीचे तक पहुंच चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश अगर मतगणना पर रोक नहीं लगाता और इसी तरीके से मतगणना जारी रही जहां पर एक जगह पर बड़ी संख्या में लोग, मैं आऊंगा आपके पास उत्तर प्रदेश, मुझे समय मिला तो मैं आपसे उत्तर प्रदेश की जमीनी हालत भी पूछूंगा आपसे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।